Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Time Drive. Right now I'm standing next to this new Tata Harrier 2020, which has come with lots of changes. And in this small walkabout, we'll be talking about those few changes. Jo isse ab ek naya product banate hain, especially apne segment mein ladne ke liye, ab behtar iske paas arsenal hai. Kyun? क्योंकि जो सबसे बड़ा गैप था वो टाटा मोटर्स ने यहाँ पर दूर किया है. नाउ टाटा हैरियर कम्स विथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एज वेल. सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन इज अवेलेबल विथ दिस प्रोडक्ट. उसके अलावा क्या चेंजेस हैं सबसे पहले आपको बताएं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इसके इंजन आउटपुट के ऊपर. नाउ दिस क्राइटेक इंजन प्रोड्यूसेस 170 PS of power, which is around 168 bhp or 350 newton meter ke aaspaas ka torque hai. Bahut zyada usme tabdili nahi, but power mein agar hum dekhe to aapko 30 bhp ke aaspaas ki taqat ab zyada mil rahi hai. Iske refinement ke upar bhi company ne kaam kiya, jaisa ki claim company kar rahi hai. One more visual element which you will see yahan par, ye diamond cut alloy wheels aapko 17 inch wale isme dekhne ko milenge. Ye pattern aapko naya lagega is Harrier mein. Then you have this ORVM which is looking compact. Isse change kiya gaya hai aur isse behtar aerodynamics ka bhi dawa company kar rahi hai. And if we take a look at the interior, so yahan par jo sabse bada change aapko naya nazar aa raha hai, that is 6-way adjustable powered seats aapko yahan dekhne ko mil rahe hain. Is button mein dekhiye, seat aap आगे पीछे से कर सकते हैं, इसकी हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्लस जो बैक रेस्ट है उसको आप आगे या पीछे कर सकते हैं. देयर इज़ वन मोर चेंज जो आपको इस रियरव्यू मिरर में देखने को मिलेगी. ऑटो डिमिंग रियरव्यू मिरर आपको इसमें अब देखने को मिल रहा है. सो दीज आर चेंजेस. और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी हम आपको बताएंगे, बट उसके लिए आपको प्रॉपर रिव्यू का वेट करना होगा. और एक नज़र हम इस कार के ऊपर अभी डाल रहे हैं, जिसमें हम जनरली जो चेंजेस हैं वो उसके बारे में ही आपको बता रहे हैं. एंड देयर इज़ वन मोर चेंज जिसके लिए थोड़ा ऊंचा जाना पड़ेगा, दैट इज़ द सनरूफ. कंपनी क्लेम्स दैट दिस इज़ द वाइडेस्ट सनरूफ अपने सेगमेंट में. अगर हम किसी भी कार में एसयूवी में पैनोरामिक सनरूफ की अगर बात करें तो कंपनी का दावा है कि दिस इज़ द वाइडेस्ट. So, ये एक नया एडिशन आपको इसमें देखने को मिलेगा. So, Tata Motors is also claiming that they have made this drive more refined, और उसके refinement के ऊपर काफ़ी काम किया. But we'll get to know when we drive this, and you will get to know when we put this story on air और upload करेंगे. क्योंकि अभी हम इसके बारे में opinion अपना नहीं दे सकते. जो changes हैं, जो technical specification हैं, उनके बारे में ही हम सिर्फ बात कर सकते हैं. So, we are doing that only. But in case you're interested in this car, the Harrier के drive के बारे में आप जानना चाहते हैं, इसके performance के बारे में जानना चाहते हैं, और जो changes हैं वो कितने refined इसको बनाते हैं, वो सब अगर आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ फॉलो अस और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए, बिकॉज उससे आपको तुरंत पता चलेगा जब स्टोरी हमारी लाइव चली जाएगी. फिलहाल कमेंट करके बताइए ये सारे चेंजेस आपको कैसे लगे. बाय बाय.